नमस्कार, आई होप आप सबकी तबीयत ठीक है। तो देखिए, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं क्लैरिफिकेशन के लिए। समय है मेरे पास, आज या कल सुबह मैं एक तमिलनाडु काउंसलिंग को लेकर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि तमिलनाडु स्टेट नोटिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन 3 दिन पहले सिर्फ नोटिफिकेशन आई थी, अब प्रॉपर ब्रोशर रिलीज हो गए हैं गवर्नमेंट सीट के, मैनेजमेंट सीट के और बाकी जितने भी डिटेल्स हैं, अप्लाई कैसे करना है। तो फिर मैं एक लाइव वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग लाइव देख सकें, उसी का फायदा रहता है ना। तो लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ खासकर मेरे नॉर्थ इंडियन भाइयों के लिए या क्लाइंट्स के लिए जो तमिलनाडु के बाहर है, क्योंकि अभी तक ना लोगों को क्लियर नहीं होता स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज। तो कुछ मेरे ना 660 नंबर वाले क्लाइंट है, सर तमिलनाडु का खुल गया है तो हमें अगर तमिलनाडु के गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो हमें हमारा प्लीज भर दीजिए। कोई 350 नंबर वाला भी, सर वो खुल गया तमिलनाडु का जो आप कह रहे थे कि हमें SRM कॉलेज मिल सकता है या ACS या मीनाक्षी मेडिकल या विनायक मिशन या यू नो SRM श्री रामचंद्र मिल सकता है, तो प्लीज ये तमिलनाडु काउंसलिंग भर दीजिए। तो खैर इस वीडियो में मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मेरे इस चैनल पे आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, एक बहुत अच्छा आपको वीडियो मिल जाएगा कि डीम और प्राइवेट में क्या फर्क है और इंडियन काउंसलिंग कैसे चलती है। तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन देखिए तमिलनाडु के बाहर वालों के लिए अगर जिसको सरकारी सीट चाहिए उसको इससे कोई लेना देना नहीं होता। मैं कई बार समझाता हूँ, सरकारी सीट या तो आपको अपने स्टेट में मिलेगी स्टेट कोटा के थ्रू या ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिलेगी, हर स्टेट में जो 15% सीटें होती हैं थ्रू MCC काउंसलिंग, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है एम्स, जिपमर, BHU, AMU उसकी भी सेंट्रल काउंसलिंग। वैसे तमिलनाडु में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ही नहीं, पर अभी पौंडेचेरी का भी खुला हुआ है ना जिसमें वो जिपमर है। तो तमिल जो भी तमिलनाडु के बाहर का सरकारी सीट लेने वाला है उसको तमिलनाडु के इस नोटिफिकेशन से, इस काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्लियर हो जाओ। अब प्राइवेट में आ जाओ, तो जिनको तमिलनाडु की डीम्ड यूनिवर्सिटीज लेनी है, जैसे मैंने नाम बताया श्री बालाजी, श्री सत्या, सविता मेडिकल कॉलेज, ACS, SRM, विनायक मिशन, इन सबको भी फॉर्म नहीं भरना। ये फॉर्म भरना है जो तमिलनाडु में रहने वाले जिनको सरकारी सीट चाहिए, तमिलनाडु में रहने वाले जिन्हें गवर्नमेंट कोटा में स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहिए। तो तमिलनाडु में जो स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो इस काउंसलिंग के थ्रू दिए जाते हैं, जिनका शायद सर्वतो नाम बहुत ज्यादा आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन दीज आर लाइक टैगोर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, PHG इंस्टीट्यूट कोयम्बतूर, करप्पा विनायक मेडिकल कॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो इंस्टीट्यूट हैं इनके लिए आपको ये स्टेट काउंसलिंग भरनी होती है टू गेट स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। और स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कुछ मैनेजमेंट की फीस सीट्स हैं जो 12.5 लाख रुपए पर ईयर होती है, तो फीस रीजनेबल रहती है। बट मैं हमेशा वही कहता हूँ कि इस फीस रेंज में और इसी कट ऑफ में तो आपको नॉर्थ में या तमिलनाडु में सॉरी तेलंगाना या आंध्रा में मिल जाएगी सीट। सो आपको तेलंगाना या आंध्रा की सीट लेनी चाहिए बजाय कि ये सीट लेने के, क्योंकि तमिलनाडु में नॉर्थ इंडियंस के लिए या सेंट्रल इंडियंस के लिए लैंग्वेज और फूड का मेजर इशू रहता है। सो तमिलनाडु का स्टेट प्राइवेट कॉलेज आउटसाइड तमिलनाडु के बच्चों के लिए मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं होता, तमिलनाडु का कल्चर भी थोड़ा वैसा ही है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज इसमें है नहीं। तो जो इस मास के रेंज के और जिन्हें 12.5 लाख की फीस चाहिए उनके लिए आंध्रा तेलंगाना एक बेटर ऑप्शन होती है, उसमें कल्चरल सिमिलरिटीज फिर भी हैं, फूड सिमिलरिटीज काफ़ी हैं। सो क्लियर है, तो ये तमिलनाडु स्टेट नहीं भरना है, हमें जरूरत नहीं है। और अदर देन अगर तमिलनाडु में रहने वाले हैं और जैसा मैंने बोला डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ तमिलनाडु के लिए भी ये फॉर्म एलिजिबल या एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे। और आप अभी भी हमारी कुछ सीटें बची हुई हैं, प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, 9643362320 पे कॉल कीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और आप हमारा प्रीमियम पैकेजेस ले सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।